कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय चैनल बिहारी ब्लॉगर पूजा, और मैं हूँ पूजा। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ड्राई फ्रूट सलवे की रेसिपी, जो कि एनर्जी, प्रोटीन, फाइबर एंड गुडनेस से भरपूर है। इसमें जो कि आपके घर में कोई न्यू मॉम बनी है, किसी का ऑपरेशन हुआ है, या फिर किसी को सर्दी जुकाम है, बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही है, या फिर आपको एनर्जी की कमी हो रही है, तो इन सब चीज़ों के लिए ये हलवा जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आपको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करती है, आपको बॉडी में स्टैमिना को बूस्ट करने में हेल्प करती है। एंड कई लोगों को ड्राई फ्रूट्स ऐसे खाना पसंद नहीं होता है, तो उनको हलवे के फॉर्म में इनको बनाकर दिया जा सकता है। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि इसको बनाना कैसे है। यहाँ पर मैंने लिया है छुहाड़ा, जो कि 250 ग्राम है। इसको मैंने 2-3 घंटे हल्के से गुनगुने पानी में छोड़ दिया था सोप करने के लिए। उसके बाद 100 ग्राम काजू और बादाम है। उसके बाद 50 ग्राम मैंने खसखस लिया है, जिसको पोस्तोदाना बोलते हैं, पॉपी सीड्स भी बोलते हैं। लिया है एक नारियल का गोला, और ये पूरा का पूरा एक नारियल का गोला है, छोटू साइज का ही नारियल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और इन सबको हम पीस लेंगे मिक्सर ग्राइंडर में। सभी को पीसना है, सबसे पहले मैं छुहारे को पीस लूँगी। उसके बाद इधर हम घी गर्म कर लेंगे, और घी अभी मैंने बिल्कुल फ्रेश निकाला हुआ है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे छुहारा, जो कि हमने भून कर रखा है, और अब तक मैं हाथ से ही सूट कर रही थी। अब मैं ट्राईपॉट में लगाऊंगी, फिर आप लोगों को अच्छे से दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से पहले जो छुहारा मैंने एक बार पीस लिया था वो डाल दिया है, एंड अब मैं दूसरी बार करके डाल दूंगी। तो ये मैंने दूसरी बार भी पीस के इसमें डाल दिया है, और इसको अच्छे से भूनना है, और हमेशा इसको भूनते रहना है ताकि ये जल ना जाए। और बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और कोई भी ड्राई फ्रूट्स जो है आपको किसी एग्जैक्ट अमाउंट के साथ नहीं डालना है। आपको जितनी मर्जी जिस चीज़ की क्वांटिटी घटानी हो, बढ़ानी हो, आप घटा बढ़ा सकते हो। और छुहारे को पहले अच्छे से भून लेना है, और ये देखिए छुहारे का कलर जो है वो अच्छे से चेंज हो गया है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे जो हमने नारियल पीसा था। आप इसमें सूखे नारियल को भी पानी में सोख करके दे सकते हो। मैं यहाँ कच्चा नारियल का ही यूज़ करूँ। इसको भी साथ में भूनेंगे छुहारे के साथ। क्योंकि नारियल कच्ची है और छुहारा भी कच्चा है, तो इन दोनों को ज़्यादा भूनना होता है। इसमें मखाना भी डलता, पर मैं मखाने नहीं डाल रही हूँ। इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मखाना डालने से हलवा जो है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। और इस हलवे को हम 1 हफ्ते तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, 1 हफ्ते से ज़्यादा भी रख सकते हैं, पर उतने दिन चलता नहीं क्योंकि सब लोग खाते हैं। एंड इनको अच्छे से भूनना है, और बाहर निकाल के भी ऐसे 2 से 3 दिन तक हम इसको रख सकते हैं स्टोर करके, अगर हम इसमें मखाना नहीं डालेंगे तो। कुछ लोग इसमें किशमिश पीस कर डालते हैं, मखाना डालते हैं, मैं वो दोनों चीज़ें अवॉइड करती हूँ क्योंकि किशमिश से खट्टापन आ जाती है और मखाने से बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। बस इसको धीमे धीमे आँच पे, धीमे नहीं, मैंने फ्लेम को यहाँ पे तेज ही किया हुआ क्योंकि मैं इसको कंटिन्यू चलाती जा रही हूँ। उसके बाद हम इसमें पोस्तोदाना यानी कि खसखस जो हमने पीस के रखा था वो डाल देंगे। और खसखस और काजू बादाम डालने के बाद बहुत ही जल्दी जल्दी चलाना होता है, क्योंकि इसको डालने के बाद जो हलवा है वो चिपकना स्टार्ट हो जाता है। तो चलाते जाएंगे, और बीच में मैंने इसमें ऑफ कैमरा ही मैंने इसमें थोड़ा सा और घी डाला था, क्योंकि हलवे की जो क्वांटिटी थी वो थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, और घी की क्वांटिटी भी आप घटा बढ़ा सकते हो। और यहाँ पे मैं काजू बादाम जो मैंने सोप किए थे उसका पेस्ट है वो मैं डाल रही हूँ। लोगों को एक बात बताना चाहूँगी, मैंने बिल्कुल बारीक पीस लिया है। आप जब ड्राई फ्रूट्स को सोप करने के लिए पानी रखो तो उस पानी को फेंकना नहीं, क्योंकि जितनी भी उसकी गुडनेस होगी वो सारी पानी में ही आ जाती है। और काजू बादाम डालने के बाद बहुत ही जल्दी जल्दी इसको मिक्स करना होता है, नहीं तो ये
बर्तन में चिपकने स्टार्ट हो जाती है और ये आपकी हलवे जो है वो जल भी सकते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना। मैं यहाँ पे नॉनस्टिक बर्तन का भी यूज़ कर सकती थी पर मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि हलवे की क्वांटिटी ज़्यादा है, इसलिए आपके पास कम हो तो आप नॉनस्टिक का भी यूज़ कर सकते हो। इसको लगातार चलाते रहना है। अगर आप किसी डायबिटीज़ पर्सन के लिए बना रहे हो तो आप इसको ऐसे रख सकते हो क्योंकि छुहारे में खुद की बहुत ज़्यादा मिठास होती है और ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं वो उनमें खुद की ही मिठास बहुत ज़्यादा होती है। तो आप किसी डायबिटीज़ पर्सन के लिए बना रहे हो तो आप इसमें चीनी मत डालना, और चीनी भी बहुत ही कम इसमें डलती है, 2 से 3 चम्मच ज़्यादा नहीं डलती, वो मैं आगे आपको बताती जाऊँगी। बस इसको लगातार चलाते रहना है, मिक्स करते रहना है। आप देख सकते हो कि मेरे जो हलवे वो चिपक रहे हैं पर मैं इसको बार बार चलाती जा रही हूँ जिसके कारण ये नहीं चिपकेंगे। और मेरी खुद की मम्मी जो है वो डायबिटीज पर्सन है, इसके लिए मैं उनको लिए हलवा बिना चीनी के ही निकाल रही हूँ। और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी 3 चम्मच चीनी, 50 ग्राम से भी कम है, लगभग 25 ग्राम। और उसके बाद जो हमारे ड्राई फ्रूट्स वाले जो मिक्सी में पानी लगा हुआ था उसको थोड़े से पानी डाल के मैं इसमें भी डाल दूंगी ताकि कोई भी चीज़ हमारी वेस्ट ना हो। और इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे, लगभग 1 मिनट तक इसको लगातार भूनना है, 1 से 1.5 मिनट तक, जब तक कि हमारी चीनी पिघल जाए और हमने जो एक्स्ट्रा पानी डाला है वो सूख ना जाए। उसके बाद हमारा हलवा बिल्कुल तैयार है और हम गैस को बंद कर देंगे। इसको थोड़े से ड्राई फ्रूट्स के साथ डेकोरेट कर लेते हैं क्योंकि ड्राई फ्रूट्स हलवा है तो बिना ड्राई फ्रूट्स के डेकोरेशन के ये अच्छे नहीं लगेंगे। तो इसको सर्व करने के लिए मैं थोड़ा सा इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दे रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगे। और यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ किशमिश, काजू और अखरोट। तो कैसा लगा आपको मेरे ड्राई फ्रूट्स के हलवे की रेसिपी ज़रूर बताइएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो या फिर किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।